तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए एक मेथड लेके आया हूँ जिसके थ्रू यदि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ना तो हाई रिटर्न पाने का चांस है और आप लॉन्ग टर्म में इसका और ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं और इसके थ्रू आप रिटायर भी हो सकते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। डिविडेंड पेइंग स्टॉक में एक ये रहता है कि तुम्हें एक फिक्स इनकम आपको अर्ली जैसे कि 1 साल में आप यदि आप 12 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो हर हर महीने में एक ना एक जो स्टॉक होगा वो आपको डिविडेंड पे करती रहेगी। तो जिससे आपका खर्चा जो होगा वो एक्सपेंस होगा, आपका मंथली खर्चा होगा वो चलता रहेगा यदि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। और जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे आता है कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और कोई कंपनी डिविडेंड देती है, मान ले 3% डिविडेंड देती है, तो अभी आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 3% उन्होंने वो कंपनी ने 3% डिविडेंड दिया तो आपको 3,000 तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में, ना कि तुम्हारे वो पोर्टफोलियो में ऐड होगा, वो डायरेक्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करें और आपका पैसा डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो जिनका एज है वो 35 या 30 से अबव होता है, तो वही बंदे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि आप उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें तो हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो हम इसीलिए एक मेथड बना रखा हूँ, ये मेथड अच्छा है, यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं फॉलो करना चाहते मत फॉलो करिए, बट ये आप एक चक्कर देख लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी अदर स्टॉक यू आर फिल्टर आउट दिस थिंक एंड यू गेट मैक्सिमम रिटर्न, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। तो हम इसमें मेथड में है क्या, हम वन बाय वन देखेंगे, हम इसको बताते हैं। जैसे कि ये जो किसी भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ देखना है कि जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो होता है वो अबव कितना होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। जो कंपनी का मालिक है उसका जो कंपनी में होल्डिंग होना चाहिए उसका खुद का जितना शेयर होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए भाई, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे डिविडेंड फिक्स इनकम मिलता रहे। अब ये प्रमोटर ही उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं जगाएगा, प्रमोटर अभी 10% होल्डिंग हो वो आगे चलकर बेच के भाग जाए तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा ना आपके लिए। तो हम हमेशा बार बार चेंज भी नहीं कर सकते कि चलो अब चेंज करते हैं दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब पहले से ही देख लेते हैं कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। और जो मार्केट कैप होना चाहिए वो लार्ज कैप और मिड कैप होना चाहिए, क्योंकि पैसा भाई आप 1 भी रुपया लगा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि पैसा आपका डूबना नहीं चाहिए। अब मिड कैप, लार्ज कैप और मिड कैप होगा तो उसमें जो क्या कंपनी भी क्या होगी, लार्ज होगी बड़ी होगी कंपनी और उसका नाम भी होगा, मिड कैप भी होगा तो कंपनी बड़ी होगी उसका नाम भी होगा। और यदि अब तुम इसका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है कोई भी एक क्या कहते हैं 1,000 करोड़ की कंपनी, वो कोई दूसरा आकर खरीद लिया, वो कोई दूसरे नेम से चलाना शुरू कर दिया, उसने बोला कि मैं नहीं मैं कंपनी को तीसरे को बेच दूंगा, तो लार्ज कैप कंपनी होगी तो वो बेस्ट रहेगा, मिड कैप रहेगी तो भी बेस्ट रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी में यदि तुम डिविडेंड पेइंग स्टॉक के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि हमें डिविडेंड मिले तो उसमें मत इन्वेस्ट करो, मेरा सजेशन है। आप कुछ भी कर सकते हो भाई, आपका पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन यही दूंगा। और मैंने एक चीज़ ये भी देखा कि जो कंपनी होना चाहिए वो 5 ईयर CAGR जो होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो कंपनी बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि उसका रिटर्न भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 15% से ज़्यादा नहीं होगा तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देंगे जो 15% हमें रिटर्न देती है। तो मुझे रिटर्न भी देखना है कि 15% से रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए, और डिविडेंड यील्ड जो होता है वो 3% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है तो उसमें मुझे 3% मिलना चाहिए, 3% माने हो गया 3 रुपया, मुझे कि 100 रुपये पे 3 रुपया मिलना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। वो अब तुम्हें 100 रुपये, तुम 100 रुपये लगा रखते हो, किसी शेयर का दाम 100 रुपया है, किसी शेयर का दाम 100 रुपया है, अब उसने 3 रुपया डिविडेंट दिया तो 3 रुपया डिविडेंट दिया तो इसका मतलब होगा 100 का 3%, 100 100 यदि 3 भागे 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 3% आएगा। तो इसका मैंने डिविडेंट यील्ड वही होता है कि कितना परसेंटेज के रूप में कंपनी ने वो दिया, क्या कहते हैं, डिविडेंट दिया। तो मान लिया कि 100 रुपये का स्टॉक है तो 3% माने 3 रुपया, तो कंपनी ने 100 रुपये की प्राइस के स्टॉक को 3 रुपया तुम्हें डिविडेंड दिया। और मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे मूविंग एवरेज भी क्या होना चाहिए, ये एक ये मेथड, इस मेथड के जैसे मूविंग एवरेज के मेथड से आप इन्वेस्ट करेंगे कि आपको इससे पता चलेगा कि स्टॉक को कब आपको खरीदना, ये नहीं कि पीक पे हो स्टॉक और आप खरीद लेते हो, ऐसा नहीं करना है। इसको भी मैं बताऊंगा आगे चल के, बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम स्टॉक को फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो स्टॉक को फिल्टर आउट करने के लिए आपको करना क्या, आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है टिकर टैप स्कैनर, ये टिकर टैप ये नीचे क्लिक कर सकते हो, इस पे आना है आपको, इस लिंक पे क्लिक करना है जो सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, ये आपको लिखा राइट साइड में स्कैनर, तो स्कैनर पे क्लिक कर देना है स्कैनर। और फिर आपको करना क्या है, जैसे कि ये स्टॉक पे क्लिक कर देना और स्टार्ट स्कैनिंग। और अब आपको करना क्या है,
आपको पहले लार्ज कैप में देखना है, जो मार्केट कैप होना चाहिए। इस हम दिखाते हैं इधर, जो मेरा पहले क्या होना चाहिए, पहले प्रमोटर होल्डिंग वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं मार्केट कैप को क्या होना चाहिए, लार्ज या मिड कैप होना चाहिए। तो मैं पहले लार्ज कैप करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक फिल्टर आपको लगाना है इधर, आपको इधर ये आ जाएगा आपको फाइव ईयर सी ए जी आर रिटर्न जो होना चाहिए इतना होना चाहिए, और एक फिल्टर आपको एड करना है। इधर आप क्लिक करेंगे फिल्टर, इधर आपको इधर सर्च करना है डिविडेंड इल्ड, ये आ गया, इस पर क्लिक करना है और डन कर देना है। अब इतना चीज़ हो गया, हमें करना क्या था, मार्केट कैप, फाइव ईयर सी जी आर और डिविडेंड इल्ड, ये मैंने तीन फिल्टर ऐड कर दिया, तीन चीज़ को मैंने देखूंगा, मूविंग एवरेज वाइज में देखूंगा, और ये प्रमोटर होल्डिंग तो मैं उसको क्या कहते हैं स्टॉक को इस तरह एक्सपेंड करके देख लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सबसे पहला है मार्केट कैप क्या लार्ज है, तो ये बेलन गुड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मार्केट कैप लार्ज है। अब मुझे क्या करना है, दूसरा जो हमें है, तीसरा क्या है कि फाइव, ये तीसरे नंबर पे क्या है कि फाइव जो सी जी आर रिटर्न होना चाहिए वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, ये जो तुम्हारा सी जी आर है 15% से, इसका क्या सी जी आर 15% से नहीं, ये 19% है, ये इसके माने 15% से इसका सी जी आर ज़्यादा है। और उसके बाद क्या है, डिविडेंड यील्ड अबव कितना होना, 3% होना चाहिए, तो इसमें देखा जाए तो इसका कितना है 7%, तो इसके माने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। कितनी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, क्या है मार्केट क्या है इसका लार्ज कैप है, फाइव ईयर सी जी आर 15% से ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड 3% से ज़्यादा है। अब मुझे क्या देखना है, ये पहला वाला प्रमोटर होल्डिंग कितना होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होगा, तो ये मेरे क्राइटेरिया में स्टॉप आ जाएगा। तो इसको देखने के लिए आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना, इस पर एक्सपेंड पे क्लिक करना है, मैं इसको एक टैब है जो क्लोज कर दे रहा हूँ। तो होल्डिंग में आना, इस होल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे, तो होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे ये प्रमोटर होल्डिंग कितना दिखा रहा है, इसमें तो प्रमोटर होल्डिंग भाई साहब ये देखो प्रमोटर होल्डिंग कितना दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है प्रमोटर होल्डिंग 61% दिखा रहा है, तो इसको मैं 62% मान सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ये देख सकते हैं, ये सब अच्छा संकेत है। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, वेदांता लिमिटेड, तो इस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग भी 50% से अबव है, फाइव ईयर सी जी आर भी 15% से ज़्यादा है, और डिविडेंड यील्ड तो 7% है, तो ये बेस्ट है। इसके माने तुम 410 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें 7 रुपया हर साल मिलता रहेगा, और ये इतने परसेंट से ग्रो भी होता रहेगा वेदांता, तो ये एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है। तो इसको आप हम पहले क्या करेंगे, इसको हम अपने उसमें इधर ही आप अपना ये लॉगिन कर लेना, क्या मेरा तो जीरोधा में, तो इधर एक अपना चेकलिस्ट बनाएंगे, क्या कहते हैं इधर अपना चेकलिस्ट बनाएंगे, इधर हम इसको पेस्ट करके सर्च करेंगे वेदांता, एनएससी में क्लिक कर लेते हैं, तो इधर आ गए। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें मूविंग एवरेज लगाएंगे, ये मैंने कुछ मूविंग एवरेज लगा रखा है, तो मैं पहले इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये सब मैं पहले हटा दे रहा हूँ, इनको हटाने के लिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस पर आना है, स्टडी पे आना है, एरर ये हट गया, और अब इसको हटाने के लिए एक सेकेंड, ये है, इसको मैं चेंज कर दूँ, हटाना क्या, मैं चेंज कर देता हूँ ये 40 जो है ना, इस मूविंग एवरेज को मैं चाहे एक मूविंग एवरेज इधर से हटा देते हैं सर, मूविंग एवरेज ये ये हट गया। अब इधर मैं सर्च करता हूँ मूविंग एवरेज ये आ गया, मुझे ऐड करना है मूविंग एवरेज कितने का, 100 का पीरियड जो होगा 100 होगा, आप देख लेना, और इसका जो कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर, ये चलो कर देता हूँ, ये बेस्ट, और डन पे क्लिक कर देना आप, ये हो गया। अब आपको मैंने क्या 100 मूविंग एवरेज ऐड कर दिया, इधर देखिए आप, मैंने ये जो मूविंग एवरेज लिखा था वो 100 पीरियड मूविंग एवरेज लिखा था, तो ये हो गया। तो ये हमारा फुलफिल कर रहा है, ये जो हमारा जो स्टॉक का विधान था ये फुलफिल कर रहा है, बट मुझे अभी इसमें नहीं खरीदना है, मुझे इसमें खरीदना कब है, मुझे इसमें खरीदने के लिए जब ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज से नीचे आएगा तभी मैं खरीदूंगा। जब भी इस मूविंग एवरेज से नीचे आएगा स्टॉक, ये 100 मूविंग एवरेज है, तो मैं इस स्टॉक में कुछ ना कुछ रुपया ऐड करता रहूंगा, क्योंकि मुझे अभी देखो ये मूविंग एवरेज से हाई है, ऊपर रहेगा तो मैं इस स्टॉक में कभी नहीं पैसा लगाऊंगा, कभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि ना कम रुपये में मुझे ज़्यादा स्टॉक मिले। जब ये क्या कहते हैं, इधर देखिए, ये अक्टूबर में ये नीचे आया था 2020 में अक्टूबर के मंथ में ये नीचे आया था, सो इस मूविंग एवरेज, जब भी मूविंग एवरेज से नीचे आएगा तभी मैं इस स्टॉक में खरीदूंगा, तो हाँ मैं इस स्टॉक में नहीं खरीदूंगा, जितना पैसा लगाऊंगा वो उतना लगे रहेगा। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब स्टॉक का प्राइस कम रहेगा, जैसे स्टॉक का प्राइस मान लें कि अभी मान लें स्टॉक का प्राइस कितना है, 410 रुपया है, 415 रुपया है, इधर दिखा रहा है 415 रुपये, तो आप अभी एक स्टॉक जो मिलेगा वो 415 रुपये का मिलेगा, और इसमें तुम 7% यदि वो पाओगे तो
410 रुपये में तुम खरीदे हो, मान लें 400 रुपये में तुम खरीदिए, 400 रुपये में खरीदिए, उसका 7% तुम पाए तो कहाँ कितना पाए, मान लें 7×28 रुपये, 7×28 रुपये तुम पाओगे, 7×28 रुपये, 28 रुपया पाओगे तुम, 400 रुपया लगा के साल में 28 रुपया पाओगे, 7% ये दे रहा हूँ। बट यदि तुम इधर इधर खरीदते, ये मूविंग एवरेज के नीचे यदि खरीदोगे, मान लो 200 रुपये में खरीदोगे, तुम 200 रुपये में तुम खरीदोगे, 200 रुपये में खरीदोगे तब भी तुम तो 7 रुपये क्या कहते हैं 7% पाओगे, तो इसमें तुम ज़्यादा कमाओगे ना। 200 रुपये में खरीदोगे तुम्हें दो स्टॉक मिलेगा, दो स्टॉक मिलेगा तुम्हें, दो स्टॉक मिलेगा तो 28 × 54 रुपया तुम कमाओगे, एक जब 28 × 54 रुपया तुम्हें कमा के वो देगा, समझे बात मेरी। तो इसीलिए तुम्हें मूविंग एवरेज के नीचे खरीदना है। तो अब चलो एक स्टॉक ऐसे हो गया, अब दूसरे स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं। अब इधर आते हैं, इसमें ये कोई स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये देखते हैं इसमें क्या है, इसका 5 CGR 15% से कम है तो इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये देख लेते हैं SCL टेक्नोलॉजी, ये दिखा रहा है इसका 5 जो CGR है वो 15% से ज़्यादा है और डिविडेंड यील्ड कितना है 3% से ज़्यादा है। अब इसका वो देख लेते हैं कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितना है, एक सेकेंड, प्रमोटर होल्डिंग 50%, ये भी बेस्ट है यार, 60% प्रमोटर होल्डिंग दिखा रहा है तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है यार SCL, इसको भी लिस्ट कर लेते हैं, ये भी तो 3% दे रहा है। डिविडेंड यील्ड कितना दे रहा है, ये 3.8%, इसके माने 4% तक का डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, आगे फ्यूचर में तो ये ग्रो होगा ही। इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, बढ़िया स्टॉक है, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसको वही मेथड है इधर ऐड कर लेते हैं NSE में, कम से कम नहीं है 12 स्टॉक तो ऐड करना चाहिए, कम से कम 12 स्टॉक ऐड करना चाहिए। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं मेरा, इसके ग्राफ पे वेदांता था ना, ये थी नीचे, ये देखो, और इसमें तो अभी खरीदने लायक है भाई साहब, ये देखो इसमें खरीदने लायक है अभी, ये नीचे चल रहा है अभी खरीद सकते हैं इसमें, 100 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है भाई इसमें, जब देखो इधर इसमें कितना मौका मिलता है खरीदने के लिए, इधर मौका मिला था, इधर मौका मिला था, इधर मौका मिला था, तो ये स्टॉक तो बढ़िया है भाई, इसमें खरीद सकते हैं ये स्टॉक, सही है। तो इसमें यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो इसका वो भी देख सकते हैं, इसका तो रिटर्न जो है, इसका रिटर्न कितना, 18% CGR भी है, 3% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, दोनों को ऐड किया जाए तो 3.07566666 22% टोटल रिटर्न, कर टोटल ऐड किया जाए तो साल का 22% रिटर्न दे रहा है भाई साहब, तो इसके लिए बेस्ट है, तो इवन तुम्हें डिविडेंड यील्ड भी अच्छा मिल रहा है, रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, ये भी बेस्ट है। और इससे नीचे ये भी बेस्ट है, ये क्या कहते हैं, इसका भी डिविडेंड वो क्या कहते हैं 5 CGR भी इसका 23% है, डिविडेंड यील्ड 3% है, ये है क्या, ये भी स्टॉक बढ़िया लग तो रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी बढ़िया स्टॉक है, इसका वो देख लेते हैं, होल्डिंग देख लेते हैं, होल्डिंग भी 51% है, और म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट कर रखा, इसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया कि नहीं ये भी देख लेते हैं, यदि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा था, इन्वेस्ट कर रखता है तो एक पॉजिटिव साइन होता है, ये 7% इसमें भी म्यूचुअल फंड है, इसमें कितना 10%, तो ये भी एक स्टॉक बढ़िया है, इसमें भी इन्वेस्ट करना। इसका शेयर प्राइस कितना है, इसका तो 316 रुपये है, इसमें अभी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, ये सब लिस्ट आउट करके ऐसे आप अपने इसमें क्या कहते हैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए जितने ये कम, अभी देखो इसमें इन्वेस्ट करने लायक तो है ही नहीं, मौका ही नहीं दिया इन्वेस्ट करने का, इधर मौका दिया था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इधर इधर मौका मिला था इन्वेस्ट करने के लिए, मौके मिलेंगे यार ज़्यादा, जैसे कम से कम 10-12 स्टॉक तुम इधर कर आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, फिर जब आपके पास हमेशा तो पैसा नहीं रहेगा, जब पैसा मिलता जाए, जब देखो जो स्टॉक नीचे है कम प्राइस में है तभी तुम खरीदो, जब भी तुम्हें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा ना, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक जितने ज़्यादा तुम खरीदोगे उतने ज़्यादा तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, तो इधर मौका था खरीदने के लिए, ये भी स्टॉक बढ़िया है यार, और ये 2008 से चला आ रहा है तो ये भी बेस्ट है, इसमें भी आप थोड़ा दे सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी और थोड़ा वो करना, जैसे कि भाई मेरा ही केवल मत सोचना, ये रही है किधर क्लिक हो, तो मेरा ही केवल मत देखना, बट अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग लगाना, बट मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा बेस्ट ही है। और इधर देखते हैं कहीं और 3% नहीं है, और सब तो 2% है, तो इसमें ये क्या इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस भी IT कंपनी है, SCL भी IT कंपनी है, तो दोनों IT कंपनी में नहीं जाना चाहिए। और ये कौन सा है, इसमें ITC में इन्वेस्ट करते हैं, बट ए आर इसका CGR क्या, मुझे तो इंडेक्स फंड के बराबर भी नहीं रिटर्न दे रहा, ये अच्छा नहीं है। SCL हो गया, ये हो गया, ये भी बेस्ट है, बट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये इसका CGR रिटर्न अच्छा नहीं है तो इसमें नहीं जाएंगे। चलो भी हम किस में देख रहे थे, लार्ज कैप में देख रहे थे ना, लार्ज कैप में ही देख रहे थे, लार्ज कैप ये कोल इंडिया 13% है, 13% है, इसमें नहीं जाएंगे, तो ये भी 13% जो हमारा 14%, ये इन्फोसिस, तो इन्फोसिस नहीं यार, ये देख सकते हैं ये 3% के आसपास है, ये कौन सी कंपनी है, स्पेशलाइज फाइनेंस, फाइनेंस के बारे में है, बढ़िया है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा दे रही है, तो ये कवर कर सकते हो, ये देख सकते हो नियर अबाउट, ये इसको भी देख सकते हैं यार, ये तो थोड़ा
3% के आसपास दे रहा है इसका प्रमोटर होल्डिंग। हाँ बढ़िया है यार, 52%। और ये क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड भी 8% है, तो ये भी देख सकते हो आप यदि इन्वेस्ट करना है तो। इसमें भी ये भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, बट यही है कि ये 3% से कम दे रहा है डिविडेंड। कुल मिला के 3% तो है यार, ये इंक्रीज कर देगा जिस हिसाब से ये है, तो इसको भी क्या कहते हैं थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ेगा, बेस्ट है ना। तो भाई इसमें होता जैसे कि अभी तुमने ये स्टॉक, जैसे ये स्टॉक लिया, तो इसमें क्या फायदा है? एक चीज ये फायदा है कि तुम्हारा पैसा भी ग्रो होता रहेगा, ये नहीं कि तुम्हें खाली डिविडेंड मिल रहा है, बस 3% डिविडेंड मिल रहा है। अब इसमें देखो कहाँ गया, ये ITC में तुम्हारा डिविडेंड 3% मिल रहा है, 5 साल में 7% केवल रिटर्न दे रहा है, तो क्या होगा 5 साल में? अब ये देखो 39% रिटर्न दे रहा है भाई, 39% मैंने समझ रहे हो, हर 39 माने 40 मान लो, तो 4 दुनिया 8, हर 2.5 साल में तुम्हारा पैसा डबल भी हो जाएगा, और 3% का तुम्हारा नियर अबाउट 3% का वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं डिविडेंड भी मिलेगा। और ये पैसा तो इसमें पैसा डबल होने के लिए तुम्हें कितना वेट करना पड़ेगा, 12 98 नहीं होता, 15 96 90, 15 से ऊपर चलो तो 16 96 17 16 बोला के आसपास तुम लेके जाओ, 16 साल में जाओ तुम्हारा जाकर पैसा डबल होगा, और 3% का खाली डिविडेंड। ये 2.5 साल में तुम्हारा पैसा, मैंने तुम 10,000 लगाए 20,000 हो जाएगा, और डिविडेंड भी तुम्हें 3% मिलता रहेगा, तो ये फायदा है यार, ऐसे थोड़ा हेरना पड़ेगा। और अब मिड कैप में चलते हैं, मिड कैप में ये कोई स्टॉक है देखिए, इसका CGR बहुत कम, ये एक स्टॉक इंडियन ऑयल, ये बढ़िया 28% है, देखो CGR 28% है, इसके माने ये हो गया हर 4 साल में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, 4 साल में पैसा डबल, 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा, मैंने 10,000 का तुम्हारा 20,000 हो जाएगा, और ये देखो 3% तुम्हें डिविडेंड भी मिलेगा हर साल इंडियन ऑयल में। इंडियन ऑयल इधर देखो, और ये सब सरकारी कंपनियां, तो इस पर ट्रस्ट तुम कर सकते हो आंखों के, ये हो इंडियन ऑयल, और इस पर जैसे ये सब, और इंडिया ग्रो होगा तो ये सब और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में आपके पैसे। तो ये अभी इसमें फायदा नहीं कहीं, अभी दे ये इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दे रहा अभी, किधर दिया था, इधर इन्वेस्ट करने का मौका दिया था जब इसका प्राइस कितना था, नियर अबाउट 180 या 170 के आसपास था, 190 के आसपास, तब तो मौका मिला था इन्वेस्ट करने के लिए, इधर मौका मिला था इन्वेस्ट, जब ये मैं बोला ना जो ये आप मूविंग एवरेज लगा रखे हो इसमें, और इसका जो टाइम फ्रेम हो ये क्या हो, वनडे होना चाहिए, और यदि और बेस्ट करना हो तो इसे वीकली कर लीजिए, और बेस्ट है भाई वीकली से, और जब तुम्हें वीकली पे मौका मिले, इधर 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 देखो वीकली पे जब मौका मिले तो और ये बेस्ट है, बट यदि तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमेशा इन्वेस्ट करें तुम्हारे पास पैसा है, तो वनडे टाइम फ्रेम बेस्ट। तो ये हो गया, और ये क्या है, ये इसका रिटर्न नहीं ज़्यादा, इसका CGR रिटर्न 17% है, ओरिकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर, ये भी बढ़िया दिख ही रहा है, सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहा है, इसका देखते हैं, इसका वो देख लेते हैं कि इसका प्रमोटर होल्डिंग कितना, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई साहब, ये तो 72% ले रखा कंपनी का, आधा आधा क्या थर्ड हिस्सा का मालिक है भाई ये भी बढ़िया है भाई, इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी बेस्ट है। और इसमें देखो एक चीज़ ने इसमें नोटिस किया होगा, म्यूचुअल फंड ने भी 6% इन्वेस्ट कर रखे हैं भाई, तो ये सब यार देखो, ये सब इधर आकर तुम क्या करते हैं थोड़ा एनालाइज कर सकते हो, ये यार कॉपी नहीं हो ना, हो गया इसका कॉपी, थोड़ा एनालाइज कर सकते हो अपने आप से, थोड़ा एनालिसिस लोगे तो और बेस्ट आएगा, बढ़िया है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इधर आप चाहे इतना कुछ कर सकते हो, इसको देखते हैं इधर इन्वेस्ट करने का मौका नहीं, अभी मौका तो नहीं दिया, बट जब मौका मिलेगा ये दूर, इधर देखो नीचे मौका मिला था इन्वेस्ट करने, जितने ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितने ज़्यादा नंबर आप स्टॉक इसमें बढ़ाओगे उतने ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतने ज़्यादा, अब देखो 7,000 रुपया तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, बट हम एक चीज़ कहेंगे जब जितने भी स्टॉक तुम इधर सेलेक्ट करके आपने वॉच लिस्ट में रख रहे हो, सब में बराबर पैसा इन्वेस्ट करना, ये नहीं एक ही कंपनी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो वो डूब जाए, ऐसा मत करना कभी भी, एक ही कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, जैसे तुम उस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, अब ये तुम्हारी ही कंपनी है तो तुम लगा सकते हो ज़्यादा पैसा, बट ऐसे ज़्यादा नहीं करना। मैंने कितने स्टॉक को आप बता दिया, बट अब आप ऐसे कर लेना बहुत सारे इसी मेथड से, आप इसका ये नोट कर लेना कहीं पर, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आप देखते रहना इस मेरे यूट्यूब चैनल को। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक मेथड लेके आया हूँ जिसके थ्रू यदि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ना तो हाई रिटर्न पाने का चांस है, और आप लॉन्ग टर्म में इसका और ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं, और इसके थ्रू आप रिटायर भी हो सकते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। डिविडेंड पेइंग स्टॉक में एक ये रहता है कि तुम्हें एक फिक्स इनकम आपको अर्ली, जैसे कि एक साल में आप यदि आप 12 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो हर हर महीने में एक ना एक जो स्टॉक होगा वो आपको डिविडेंड पे करती रहेगी, तो जिससे आपका खर्चा जो होगा वो एक्सपेंस होगा, आपका मंथली खर्चा होगा वो चलता रहेगा यदि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे आता है, कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और कोई कंपनी डिविडेंड देती है, मान लें 3% डिविडेंड देती है, तो अभी आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 3% उन्होंने वो कंपनी ने 3% डिविडेंड दिया, तो आपको 3,000 तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा बैंक अकाउंट में, ना कि तुम्हारे
वो पोर्टफोलियो में ऐड होगा, वो डायरेक्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करें और आपका पैसा डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो जिनका एज है वो 35 या 30 से अबव होता है, तो वही बंदे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि अब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, तो हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो हम इसीलिए एक मेथड बना रखा हूँ, ये मेथड अच्छा है, यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं फॉलो करना चाहते हैं मत फॉलो करिए, बट ये आप एक चक्कर देख लेंगे तो इससे आपको